अभी जी सो के कभी आपको जरूरत पड़े पैसों की, अमित घर है, कभी होते हैं कभी नहीं होते, बिकॉज मैं अपने जेब में कम से कम 5-10 हज़ार रखता हूँ, यू नो आई एम लोडेड, आई एम रियली लोडेड, 5-10 हज़ार इज जस्ट पीनट्स फॉर मी। जी, इधर 50 रुपए दे दीजिए ना इनको, मुझे ऊपर से लाने पड़ेंगे। एक्चुअली भाभी जी मैं एटीएम नहीं गया तो पैसे निकाले नहीं मैंने एटीएम से, 10 रुपए ही हैं बस। और ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी क्या आते हैं। हाँ भाभी जी ने जिंदगी में पहली बार मुझसे 50 रुपए मांगे, मेरे पास वो भी ना निकले, लानत है, धिक्कार है मेरी गैरत पर, तू है मेरी गैरत पर। चौधरी को भी तहों पर लगाता हूँ। द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी। बताइए, पति ने अपनी पत्नी को जुए में दाव पे लगा दिया। क्या जरूरत थी पति को अपनी पत्नी को जुए में दाव पे लगाने की? अरे पत्नी कोई प्रॉपर्टी है क्या जो दाव पे लगा दिया? Disgusting. क्या हुआ भाभी जी, क्या भभूति जी ने आपको दाव पे लगा दिया है? क्या बोल रहे हैं आप तिवारी जी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं आप। क्यों विभू मुझे दांव पे लगाएगा, मैं कोई प्रॉपर्टी हूं क्या? मैं तो द्रौपदी की बात कर रही थी। अच्छा, वो शायद आपकी कोई सहेली होगी। नहीं नहीं तिवारी जी, महाभारत की द्रौपदी की बात कर रही थी। तो फिर आप महाभारत की द्रौपदी के बारे में क्यों परेशान हो रही हैं? अरे तिवारी जी, वो टीवी पे ना महाभारत का वही वाला सीन आ रहा था। अच्छा अच्छा, वही वाला सीन जिसमें वो युधिष्ठर जो है द्रौपदी को दांव पर लगा देता है। वो सीन जब भी हम देखते हैं ना भाव विभोर हो जाते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक पति अपनी पत्नी को दांव पे लगा रहा है, जुए में हार रहा है, आपको बहुत मजा आ रहा है? नहीं नहीं भाभी जी, नहीं, आपको सब यही तो कह रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है। भाभी जी, वो तो पुराणों में लिखा है ना। अरे पुराणों में लिखा है तो फिर क्या हुआ? हाँ वो औरत ही तो है ना। आप पतियों ने सोच के रखा है पत्नियां कोई प्रॉपर्टी होती है जो हार जाओ जुए में? अरे भाभी जी, अगर आपको डांटना ही है तो फिर युधिष्ठर को डांटिए ना, आप तो हमें ऐसा फील दे रही हैं जैसे हमी ने द्रौपदी को दांव पे लगाया है। I'm sorry, तिवारी जी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। एक्चुअली आपको तो पता है ना कि जैसे ही मैं देखती हूँ औरत का अपमान हो रहा है तो मेरा खून खौल जाता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। जी हम समझ सकते हैं भाभी जी, क्योंकि हम भी तो एक औरत से प्यार करते हैं। अच्छा, किस औरत से? है एक औरत। अच्छा जी, कौन है वो औरत? वैसे तो मुझे पता है लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, बताइए। अंगूरी से। क्या बात है तिवारी जी, हस्बैंड हो तो आपके जैसा हो। हर कोई आपके जैसा कहाँ होता है। वैसे मैं कई बार पेपर्स में पढ़ती हूँ पति अपनी पत्नियों को जुए में हार गए, बड़ा बुरा लगता है। इन जुआरियों का कोई भरोसा नहीं है, जुआ होती ही बहुत बुरी लत है। जी भाभी जी, आप वाकई बहुत सही कह रही हैं, जुआ बड़े बड़े घरों को बर्बाद कर देता है। थैंक गॉड तिवारी जी, मेरा विभू है ना, उसको तो जुए की लत ही नहीं है। अच्छा भभूति जी जुआ नहीं खेलते? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा विभू बिल्कुल नहीं खेलता, मैं तो उसे पत्तों को हाथ भी नहीं लगाने देती। हाँ वैसे कभी कभी दिवाली के वक्त वो कहता है कि हम दो दो हाथ खेल लेते हैं, लेकिन नो नेवर, मैं जो उसको हाथ लगाने दूं। मतलब लालटेन में तेल ऑलरेडी है, सिर्फ दिया सलाई दिखाने की जरूरत है। तिवारी जी कहाँ खो गए आप? नहीं नहीं भाभी जी, हम कह रहे थे कि आप बहुत सही कह रही हैं, ये जुआ जो है ना बहुत लोगों को बर्बाद कर देता है, भगवान ना करे भभूति जी को जुए की लत पड़े। चलते हैं भाभी जी, चलते हैं। तिवारी जी कुछ भी उलझुल बोल जाते हैं।
सक्सेना जी शो करो। शो? अरे यार शो होता है, बोलो शो करो। यहाँ पे ना अंग्रेजी की क्लास ना चल रहा है, जुआ चल रहा है, शो करो। लौंडे इस बार तो बाजी मेरी है, तीन गुलाम। ओहो तीन गुलाम। सक्सेना जी रुक जाओ, ज्यादा जल्दी मत ना करो, पिक्चर अभी बाकी है। सक्सेना जी ये लौंडा तो बिगड़ैल है, लेकिन आप तो पढ़े लिखे समझदार पगलेट हैं, आपको शर्म नहीं आती सरेआम जुआ खेलते हुए? तिवारी भैया कमाल करते हो आप भी हैं बिल्कुल, यानी एक तरफ तो आप मुझे कह रहे हो पागल और दूसरी तरफ आप मुझसे शर्म की उम्मीद करते हैं, सबसे बड़े पागल तो आप हैं भैया। लेकिन आप में इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए, आते जाते बच्चे देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा कि सरेआम दिन में जुआ खेल रहे हैं? भैया जी तुम बेकार में उपदेश क्यों दे रहे हो, जुआ तो बड़े बड़े लोग खेलते हैं, तुम भी तो पिछली बार जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे, तीन दिन हवालात में रह के आए थे तुम। अरे वो तो हम जुआ खेलते हुए देख रहे थे, अचानक हप्पू सिंह आ गया तो सारे जुआरी भाग लिए और हप्पू सिंह ने हमें धर दबोचा। I like it. तो भैया फिर खेलते हैं ना साथ में, है आज रात को आ जाइए आप, ठीक है? लेकिन सक्सेना जी आप तो कभी जुआ खेलते नहीं थे, आप कब से जुआ खेलने लग गए? क्या है ना भैया कि मुझे जुए की लत लग गई है, ऐसा अंदर से फीलिंग आती है ना कि जब तक अपना सारा घर बार सारा कुछ सारी दौलत प्रॉपर्टी लुटान आ दूं एकदम कंगाल ना हो जाऊं ना तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे सच में। सक्सेना जी बिल्कुल भी चिंता मत करो, रात तक ना तुम्हारा सब कुछ लूट लूंगा और तुम्हें खाली कच्चे बनियान में ना छोड़ दियो ना तो मेरा नाम भी मलखाना है। आई लाइक इट। खेलिए खेलिए, रात को भी खेलिए, हम भी आएंगे खेलने, नई पार्टी को भी संग लाएंगे। अच्छा दैट्स गुड न्यूज, अनुराग की जॉब लग गई। कौन सी कंपनी में जॉब लगी है? वाओ कसाना ट्रेडर्स, यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। वैसे क्या पैकेज दे रहे हैं साल का? 12 लाख रुपए। वेरी नाइस मीनल, तुम्हारे हस्बैंड का तो करियर बन गया। हाँ पता नहीं मेरे हस्बैंड का करियर कब बनेगा। उसने तो ठान लिया है कि बीमा कंपनी में या तो कुर्सी घिसेंगे या फिर बेरोजगार बैठेंगे। अरे नहीं नहीं तीसरा ऑप्शन तो कभी लाइफ में सोचा ही नहीं। अच्छा चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, चलो ओके बाय। फोन क्यों रख दिया? कंटिन्यू करो, मेरी बुराइयां करो, दिल खोल के करो, मैं जाता हूँ। एक मिनट बैठी। मैं तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रही थी बाय द वे। तारीफ भी तो नहीं कर रही थी। कोई काबिले तारीफ काम करोगे तो मैं दिल खोल कर तुम्हारी तारीफ करूंगी ना, लेकिन तुम कोई काबिले तारीफ काम ही नहीं करते। किया ना काम मैंने काबिले तारीफ, शादी करके आपसे। एक्सक्यूज मी, वो भी मैंने ही किया है, वो भी मैंने ही किया है। अपने मम्मी पापा के खिलाफ मैं खड़ी हुई थी, तुम्हारे पास भागने के लिए मैं आई थी। और तुम्हारे पिताजी से बड़े भाई से जूते लात किसने खाए थे? किसने खाए थे? मैंने खाए थे। हाँ तो मेरे जैसी काबिल खूबसूरत इंटेलिजेंट बीवी को पाने के लिए ये बहुत छोटा सा सैक्रिफाइस है। सर कटवा लूं क्या अपना? तो मेरे पापा को तुम्हारे सर में कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई भी। अरे वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हें बस एक जॉब मिल जाए, लेकिन नहीं तुमने तो ठान लिया है कि सर कटा सकते हैं लेकिन पैसे कमा सकते नहीं। यार हर बार तुम्हारी सुई जॉब पे आके क्यों अटक जाती है यार? तो विपु किस पर आके अटकेगी, किस पर? तुम्हारे जितने साथ वाले थे कहां कहां पहुंच गए, इसको देखो अनुराग को, मीनल के हस्बैंड को, कितनी अच्छी कंपनी में जॉब लगी है उसकी, 1 लाख रुपए पगार है उसकी महीने की। मेरा टाइम आने दो, दिन में 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 1 लाख रुपए अगर ना कमाए तो मेरा नाम बदल देना तुम। अच्छा तो कर दो कोई नाम सजेस्ट। एग्जैक्टली मुझे तो नहीं लगता इस जन्म में तुम कुछ ऐसा करने वाले हो। विभू अगर तुम एक दिन में 100 रुपए भी कमा कर दिखा दो ना
तो मैं तुम्हें मान जाऊं। तुम मतलब मुझे इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं दिन में 100 रुपए कमा सकूं? जी यही सोच है मेरी आपके लिए। मैं तुम्हारी ये सोच बदल दूंगा। ये सोच है सोच, घर के ट्यूबलाइट और बल्ब्स नहीं है जो एक झटके में बदल दिए। सोच बदलने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। करूंगा, मैं भी एफर्ट्स करूंगा। रियली? या एफर्ट्स करने वाले बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। मुझे तो बहस करने बेकार। हाँ तो मत करो। तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं बहस मत करो, आवारा गर्दी करो, टाइम पास करो। तुम्हें तो बहुत मजा आता है ना जब तुम्हें लोग कहते हैं नल्ला नल्ला। अगर कोई किस्मत में लिखवा कर ही आया है कि वो आवारा गर्दी करेगा तो इसमें कोई क्या कर सकता है। मैडम मैं आवारा गर्दी नहीं करता हूँ। तो पहाड़ भी नहीं तोड़ते हो। You're trying to say that I'm good for nothing. Yes, exactly. You're good for nothing. Damn. आखिर कब तक बेरोजगारी मेरे मुकद्दर का दामन जकड़े रहेगी? आखिर कब? जब तक आप कुछ करते नहीं तब तक। तिवारी जी, आप भभूति जी, ऐसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से बेरोजगारी दूर नहीं होती, कुछ कीजिए। अरे क्या करें, लगता है भगवान ने हमारे लिए कुछ बनाया ही नहीं। आई थिंक आई एम टू स्मार्ट, टू इंटेलिजेंट एंड टू जीनियस, यू नो, मुझे ऐसा लगता है। तो आप मानते हैं कि ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है? मुझे तो इंडिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। यू नो आई एम टू स्मार्ट फॉर यू पीपल। मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूं आप लोगों के लिए, यू नो, कंपैरेटिवली। अच्छा, मतलब अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर कुछ खेलिए। खेलिए? क्या खेलिए? जुआ खेलिए, जुआ। जी क्या बकवास कर रहे हैं आप तिवारी जी? भभूति जी, ये दुनिया है ना, ये दो प्रकार के लोगों से बनी है। ज्यादा समा बदमा दी, बताइए कौन से दो तरह के लोग? एक वो जो जिनके पास रोजगार है, और एक वो जो बेरोजगार है। जिनके पास रोजगार है उनके पास तो रोजगार है, और जो बेरोजगार है उनके लिए भी ऊपर वाले ने बहुत से रास्ते खोल रखे हैं। कैसे रास्ते? चोरी चकारी जुआ डकैती के। ये क्या बेतुकी बात कर रहे हैं आप? देखिए हमें पता है कि चोरी चकारी तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आप चूहा हैं। तो फिर आप जुआ खेलिए। एक्सक्यूज मी तिवारी जी, तिवारी जी मैं एक बहुत ही शरीफ बैकग्राउंड से हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन देखिए, मेरी एजुकेशन देखिए, मेरी डिग्रीज देखिए, मेरी शक्ल देखिए। तिवारी जी आप सॉरी, मैं ये नहीं खेल सकता। I'm sorry. भभूति जी, ये जुआ एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे बड़े बड़े खाकपति करोड़पति हो जाते हैं। बस एक दाव लगने की देर है, जिंदगी बदल जाती है। अब हम किसी और का उदाहरण क्यों दें? हमारा उदाहरण लीजिए, हमने जो इतनी बड़ी दौलत बनाई है ये जुए से ही तो इकट्ठी की है। अब देख लीजिए कि आप चाहते हैं कि लोग आपको नल्ला कहें, या फिर आपको देखकर तुरंत रस्ते में खड़े हो जाएं और कहें कि देखिए सेठ भभूति जी आ रहे हैं। सोच लीजिए। तिवारी जी, मेरा जमीर, मेरे आदर्श मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं पत्ते फेंटूं। I'm sorry. देख लीजिए, अगर मूड बन जाए तो आज रात चाय की दुकान पर महफिल है। एक दांव लगा ले, दांव लगा ले। तिवारी जी मुझे हिंट दे रहे हैं, बट नाउ नेवर एवर एवर।
कहाँ जा रहे हैं रात को? अरे वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं। अरे इतनी रात को कौन सा बिजनेस मीटिंग है? हाँ अरे वो क्लाइंट थोड़ा बिजी था ना, तो उसने रात को बिजनेस मीटिंग रख दी है। अरे इससे पहले कभी रात को बिजनेस मीटिंग ना ही की है आप? अरे अब ये कोई परंपरा थोड़ी ना है कि दिन में ही मीटिंग होगी, और अगर ये परंपरा है तो हम रात को मीटिंग करके उस परंपरा को तोड़ देते हैं। आप देखिए देखिए लड्डू के भैया, हमको बहुत घबराहट हो रही है। अम्मा जी कहती है कि रात को कोनो अच्छे काम ना ही होते हैं। अरे यार ये अम्मा जी भी ना पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या क्या फितूर भर देती है। तो क्या लगता है इतनी रात को हमको जमुना बाई के कोठे में जा रहे हैं? हटियो, तुम औरतों के दिमाग में ना भेजे की जगह शक भरा हुआ है। मीटिंग कहाँ पर है? जमुना बाई के चलो। बताना है इतने रात को किसे कच्चे बनियान बेचने जा रहे हैं? क्यों भाई लौंडो, हराने में तो मास्टर हो तुम लोग हैं? I like it। यही तो हमारा काम है रो। भैया वो आपकी पार्टी आने वाली थी ना, क्या हुआ उसका? आ जाएगा जब तक तुम सक्सेना जी की लूटो। आपने कुछ कहा भैया? नहीं मतलब सक्सेना जी के साथ खेलो। आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए, हमें पता था आप जरूर आएंगे ना, इंतजार कर रहे थे हम आपका। अक्षर तिवारी जी, मैं खेले नहीं आया हूँ। असल में क्या है कि मैंने आज ना राजमा चावल बनाए थे, तो ज्यादा खाली ओवर ईटिंग हो गई, तो टहल मार रहा था। मैं तो पैसे भी लेके नहीं आया हूँ। आपके पास होते भी कहाँ है वैसे? अरे पैसे की चिंता काहे कर रहे हैं हम, है ना, आग लगाने के लिए दिया सलाई है हमारे पास जी। मतलब पैसे हैं, आखिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे? नहीं नहीं तिवारी जी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, मेरा जमीर मुझे अलाउ नहीं करेगा। भगवती जी जमीर को साइड में रखिए, जब होंगे तो लौटा दीजिएगा। ये लीजिए ये 200 रुपए, चलिए खेलिए बेटा पत्ते बाट। जी भैया। भैया जी स्वागत है आपको। विभूति भैया वेलकम टू जुआरी क्लब। भैया कौन सा गेम खेलना बताओ? मुझे तीन पत्ती खेलना आता है, वो दिवाली में तीन पत्ती खेलता हूँ वो गधा उतारने के लिए। कहते हैं कि अगर दिवाली में पत्ते नहीं खेलो तो अगले जन्म में गधे बनते हैं। खैर आप तो इसी जन्म में गधे बनने वाले हैं जी। कुछ नहीं, चल भाई मलखान। जी भैया जी। अब आ दियो भैया। चलो सक्सेना जी आपकी चाल। मेरी रही ये 200 की चाल। भैया जी अब मैं तो पैक हूं। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। मेरो भी पैक है। चलिए भाई हमारा भी पैक। अब सक्सेना जी और भभूति जी बच गए, अब आप खेलिए। मेरी भी 200 की चाल। तो भैया मेरी रही ये 500 की चाल। मेरे पास और पैसे नहीं सकते ना जी। तो हम हैं ना, काहे चिंता कर रहे हैं, लीजिए खेलिए, चलिए खेलिए खेलिए। मेरे भी 500 की चाल। तो मेरी रही ये 1000 की चाल। मेरी भी 1000 की चाल। तो मेरी रही 2000 की चाल। मेरी भी 2000 की चाल। चलिए भैया ये लीजिए 4000 और शो कीजिए। आई लाइक इट।
इक्का इक्का बस बस भगवती जी इतने पैसे कभी नहीं देखे। अब सक्षणा जी I'm sorry, okay? Better luck next time, okay? अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं भैया, मैं हारने के लिए खेलता हूँ, हारने से शौक लगता है ना। I like it. बस ये खुशी के आंसू है। चलिए अब जो हमारे पैसे बचते हैं हमें वापस कर दीजिए, बाकी अपने पास रख लीजिए। ये लीजिए आपके पैसे। देखिए चंद मिनटों में हजारों कमा लिए आपने, नहीं तो आप जैसे इंसान को हजारों कमाने में महीनों लग जाते। थैंक यू तिवारी जी, आपने मुझे एक शॉर्टकट दिखाया पैसे कमाने का। थैंक यू। हमने क्या दिखाया, आखिर हम आपके हैं कौन भाई, है ना? बेशक। तो बस, तो फिर रास्ता हमने दिखा दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू।